नाम तीन प्रकार के होते हैं। हम लोग एक साथ बैठकर हरि नाम लेते हैं, लेकिन सबको समान फल नहीं मिलता। बाहर से तो लगता है कि ये सब हरि नाम ले रहे हैं, बस ये सब पहुंच चुके हैं वैकुंठ में। बाहर से तो लगता है कि हरिदास ठाकुर के बाद बस यही है, लेकिन उस नाम लेने की जो अवस्था है वो नाम तीन प्रकार के हैं। एक अपराध युक्त नाम जो तीसरे क्लास का है, उसके ऊपर सेकंड क्लास का है नामाभास, और फर्स्ट क्लास का है शुद्ध नाम। जब भी हम हरि नाम लेते हैं तो ये तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी में होते हैं। जरूर नहीं आज हम किसी और कैटेगरी में, कल किसी और कैटेगरी में हैं, पांच मिनट किसी और कैटेगरी में, फिर पांच मिनट के बाद किसी और कैटेगरी में, लेकिन कैटेगरी अवश्य होती है। और इन तत्वों को हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए ताकि हम इस गलत फहमी में न रहे कि बस नाम की महिमा सुनी, हम बहुत नाम ले रहे हैं, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारा नाम किस क्वालिटी का है। केवल क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी के बारे में पता हो तो मेंटेन करें ना, पता ही नहीं है क्वालिटी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। तो हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में नाम को तीन भागों में डिवाइड किया है। नाम लेने की जो अवस्था है तीन भाग में है। तीसरे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो थर्ड क्लास का ही नाम लेते हैं, आप सब फर्स्ट क्लास में हो, तो मैं मेरे जैसों की बात करूं। थर्ड क्लास का जो नाम जप है वो है अपराध युक्त नाम, मतलब अपराध के साथ हरि नाम का। हरि नाम तो ले रहे हैं, हरि नाम तो हो रहा है, बाहर से दिख भी रहा है, लेकिन हरि नाम के साथ साथ अपराध हो रहा है। और हरि नाम के प्रति 10 प्रकार के अपराध है। 10 प्रकार की ऐसी वस्तु जिसको करने से, एक और आप हरि नाम करते रहो और दूसरी ओर ये 10 में से एक भी करते हो ना, तो ये प्लस माइनस करके जीरो रिजल्ट हो जाएगा। दो माला किया, दो अपराध कर लिया, 2 - 2 = 0। एक और माला करते जा रहे हैं, पछी गुजराती में के ने तारा घसाई गया छे पारा रे, तने क्यांथी मळे राम। तो पारे घिस जाते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एक और माला जब करते हैं दूसरी ओर अपराध कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब हमको बुखार होता है, रोग होता है, तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और दवाई के साथ साथ परहेज देते हैं कि ये खाना ये नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना। एक और हम दवाई लेते रहे, दवाई खाते रहे और दूसरी ओर परहेज न करें तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। दवाई के साथ साथ परहेज भी तो होनी चाहिए ना। तो एक और हरि नाम लेना है और हरि नाम लेते लेते परहेज भी करनी है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो वैसे तो बहुत सारे अपराध है, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, लेकिन स्पेशली हरि नाम को इफेक्ट करने वाली 10 वस्तु है। भक्तिमय जीवन में 10 ऐसी वस्तु है जो सीधे हमारे हरि नाम को इफेक्ट करती हैं। तो जाते जाते लगे हाथ हम ये 10 वस्तु मैंने ब्रेक डाउन करके ही लिखा है नंबर के साथ, ताकि आप लोग इसे समझ सको। इन 10 वस्तु का वर्णन पद्म पुराण में हुआ है। ये कोई घर की बात, दिमाग बुद्धि की बात नहीं है, या कोई साधारण बापू बाबा की बात भी नहीं है, ये व्यास वचन है भक्तों। श्री वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखे हुए वचन, जो यह वचन सनकादिक नारद मुनि को कहते हैं और फिर हमारे आचार्यों ने इसे विस्तार किया। तो सीधे व्यास मुनि का वचन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सताम निंदा नामनः परम अपराध वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथमो सहते तद्विगर्हा। हरि नाम के प्रति इफेक्ट करने वाला, मतलब हमारे हरि नाम को खाने वाला चुड़ैल, जानते हैं चुड़ैल,
जिसको चुड़ैल लग जाती है ना, वो बंदा कितना भी खाए शरीर नहीं बनता, क्योंकि भोजन करके जो खून बनता है वो खून तो चुड़ैल पी जाती है। तो ऐसा ही होता है, हरि नाम जप करके, महामंत्र का जाप करके जो हम पूंजी जमा करते हैं वो सब इस अपराधों में चली जाती हैं। तो कहीं ये सब चला न जाए, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है सताम निंदा। सताम निंदा माने संतों की निंदा, संतों की निंदा। यहां संत का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवत प्रचार में, भगवत सेवा में समर्पित कर दिया है, ऐसे शुद्ध संतों की निंदा यदि हम करते हैं तो नामन अपराधम वितनुते, तो ये नाम अपराध में कंसीडर होता है। कर रहे हैं संतों की निंदा लेकिन कंसीडर हो रहा है नाम अपराध। आप श्लोक में देख सकते हैं, ये व्यास वचन है भक्तों। हम लोग ऐसा ना ऐसे ऐसे छूट नहीं सकते हैं कि भाई हम तो नाम ले रहे हैं, संतों की निंदा करें, नाम और संत तो अलग है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि सताम निंदा, संतों की निंदा, नाम न अपराधम वितनुते, वो नाम अपराध ही गिना जाता है, वो नाम अपराध के अंदर ही आता है। सो यत ख्यातिम यातम कथम उत्सहने तद गर्हितम, ये पहला नाम अपराध है। ठीक है, फिर दूसरा नाम अपराध नाम के प्रति, तो कहते हैं शिवस्य। शिवस्य माने देवाधिदेव महादेव के, श्री विष्णु और यह भगवान विष्णु के। यह विष्णु इन द सेंस विष्णु तत्व, विष्णु तत्व माने विष्णु कृष्ण राम, ये सब विष्णु तत्व है ना। तो शिवस्य श्री विष्णु और यह, शिव जी के और भगवान विष्णु के, इह गुण नाम आदि सकलम, शिव जी के और भगवान विष्णु के जो गुण है, नाम है, या सकलम माने उनकी जो लीला है, धिया अपनी बुद्धि में भिन्नम पश्येत, भिन्न देखता है, तो स खलु निश्चित ही उस आदमी के लिए हरि नाम अहित कर। वो कितना भी हरि नाम लेगा लेकिन हरि नाम कभी उसका हित नहीं करेगा। किसका? जो शिव जी को और विष्णु को अलग मानता है, जो शिव जी की और विष्णु की महिमा को अलग मानता है, जो शिव जी का अपमान करता है, शिव जी को अलग देखता है, तो कितना भी वह हरि नाम लेगा हरि नाम उसका कभी हित नहीं करेगा। इसलिए कुछ लोग कहते ना, हम तो 15-15 साल से हरि नाम ले रहे हैं लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा, क्यों? इसलिए आपके सामने है सताम निंदा, संतों की निंदा चल रही है, फिर दूसरा शिव और विष्णु को अलग समझ रहे हैं, फिर आगे तीसरा कहते हैं गुरोर अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करेंगे सीधे हरि नाम में इफेक्ट होगा। पहले तो गुरु जल्दी बनाओ मत, मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करूं, आगे पीछे परिक्रमा करके गुरु को पूरा चेक कर लो, पूरा देख लो, सारी परीक्षा कर लो, सारे प्रश्न पूछ लो, सब कुछ देख लो, और एक बार गुरु कर लिए तो फिर गुरु का आदेश जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा क्या ना, हम गुरु के चरण भी जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर उस गुरु के चरण खींच भी जल्दी लेते हैं, हमारा कुछ ऐसा है। इसलिए शास्त्रों को समझकर, सिद्धांत को समझकर पहले तो गुरु का शरण ग्रहण करें और फिर गुरु की आज्ञा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सो गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा न हो, ये तीसरा नाम अपराध है। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदनम। वेद और श्रुति शास्त्रों की निंदा करना ये चौथा नाम अपराध है। मैं भागवत को नहीं मानता, मैं गीता को नहीं मानता, मैं तुझको नहीं मानता, निकल यहां से, हमें कह देना चाहिए। कुछ लोग कहते ना, हम गीता भागवत नहीं मानते, भाई हम तुमको ही नहीं मानते, निकलो। भगवान हमारे पिता है तो वेद हमारी माँ है, शास्त्र हमारी माँ है,
जैसे माँ के द्वारा ही पिता के बारे में ज्ञात होता है, ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्रों के द्वारा ही तो भगवान समझ में आते हैं ना। तो ऐसे श्रुति शास्त्र की निंदा, ये हरि नाम के प्रति चौथा अपराध है। फिर पांचवा तथार्थवादो अर्थवाद, हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। माने जब अब हम लोग हरि नाम गा रहे हैं ना, मैं तो कुछ लोगों के मन में हो रहा है ले ये तो बस ये बढ़ा चढ़ाकर हरि नाम की महिमा बोल रहा है, इस प्रकार के से समझना ये पांचवा नाम अपराध है। कि वेदों में शास्त्रों में हरि नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, ऐसी सोच ये हरि नाम का अपराध है। पांचवा हरि नाम के प्रति छठा अपराध है हरि नामनी कल्पनम, भगवान के नाम को काल्पनिक समझना। कुछ लोग कहते हैं देखो ऐसा कुछ है नहीं, समाज में शांति रहे इसलिए ऋषि मुनियों ने सब इमेजिन किया है और ये सब लोगों को धंधे लगा दिया है। तो इस प्रकार हरि नाम को काल्पनिक समझना ये छठा हरि नाम के प्रति अपराध है। फिर आगे कहते हैं नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमे हि शुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। अब नाम की महिमा सुन ली हमने, हरि नाम लेने से ये होगा, हरि नाम लेने से पापों से मुक्ति, ये वो। तो कुछ लोग सोचेंगे ठीक है हरि नाम लेने से पाप खत्म हो जाएंगे, दो तीन बोतल पीऊंगा और फिर घर आकर दो तीन हरि नाम की माला जप करूंगा, दूसरे दिन और मारूंगा, दूसरे दिन और माला। तो ये तो यही हुआ ना कि हरि नाम के बल पर पाप करना, तो ये हरि नाम का अपराध। हरि नाम पापों से मुक्त करता है, लेकिन हरि नाम के बल पर पाप, ये तो ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस की जॉब मिली, पुलिस की वर्दी मिली, लेकिन उस पुलिस की वर्दी को मिसयूज करना, ये तो अपराध है। हरि नाम की महिमा का मिसयूज करना, इसी बात को कहते हैं नामनो बलात्, नाम के बल पर यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। और यदि कोई ऐसा करता है तो न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि, तो वह व्यक्ति फिर कितना भी मेहनत करेगा वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये सातवां अपराध। आठवां अपराध कहते हैं धर्म व्रत त्यागु त्याग आहुता सर्वेषु अभिक्रियस्यामिति प्रमादः। धर्म व्रत त्याग होम इत्यादि ये जो कुछ भी है ये प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवत नाम के समान समझना। माने मैं कई दिनों से हम कह रहे हैं ना कि भगवान ने दान में से व्रत में से सारी शक्ति निकालकर हरि नाम में रख दी है, तो इसका अर्थ यही बना ना कि जितने भी धर्म कर्म अन्य कार्य है सत्कर्म पुण्य कर्म उससे हरि नाम उत्तम है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी इन सब कर्मों के समान ही कोई हरि नाम को देखता है समझता है तो ये हरि नाम के प्रति आठवां अपराध है। हरि नाम की तुलना कहीं नहीं हो सकती, किसी भी कर्म के साथ नहीं हो सकती, सो हरि नाम को उनके समान या उनसे स्वतंत्र। नौवां अपराध है अश्रद्ध दाने, जो अश्रद्धालु है विमुखे अपि, जो भगवान से विमुख है शृणवन्ति यश्च उपदेश शिव नाम अपराध है। शॉर्ट में इतना ही कि जो अश्रद्धालु है उस अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना, क्योंकि अश्रद्धालु को आप सीधे हरि नाम की महिमा आप देख सकते हैं ना। अमृत चर्चा 2 साल से चल रही है लेकिन हरि नाम की महिमा क्या मैं नहीं जानता था क्या, हम लोग हरि नाम नहीं जप करते थे, लेकिन इतनी हरि नाम की महिमा आपने कब सुनी? 2 साल के बाद जब लोगों में श्रद्धा आई और हरि नाम जाप करने लगे और श्रद्धा के साथ सुनने लगे तब जाकर ये सब प्रस्तुत किया जाता है। अब अश्रद्धालु के सामने यदि ये सब बोलो तो कहेगा ये सब कहाँ से लेके आए, ये सब क्या है? तो वो सीधे अपराध कर बैठेगा। तो अश्रद्धालु के सामने हरि नाम का उपदेश देना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। और फिर लास्ट ये अपराध आज तक आपसे नहीं हो रहा था
लेकिन इस कथा के बाद ये अपराध आपसे शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है श्रुते अपि नाम महात्मये, आपने नाम की महिमा सुनी, सुनी ना 6 दिन, नहीं सुनी होती तो अच्छा था। अब नाम की महिमा सुन ली, और नाम की महिमा सुनने के बाद भी हरि नाम जप न करे, हरि नाम में रुचि न बढ़े, तो ये हरि नाम का 10वां अपराध है। इसलिए श्रुते अपि, सुनने के बाद भी, क्या सुनने के बाद भी, नाम महात्म्य, हरि नाम की का महात्म्य सुनने के बाद भी यह प्रीति रही तो, हरि नाम के प्रति प्रीति न हो, तो ये हरि नाम के प्रति अपराध है। तो मैं आपके प्रति अब अपराध शुरू कराने जा रहा हूँ कि इतनी इतनी महिमा और अब भी हरि नाम में रुचि और प्रीति न हो, तब तो अपराध हो जाएगा। इसलिए हाथ में ले लीजिएगा और महामंत्र का जाप आनंद से करें। तो ये हैं 10 नाम अपराध। हरि नाम के प्रति ये अपराध है। इसलिए जब हम हरि नाम जाप करते हैं, इन 10 वस्तुओं से बचना चाहिए। इनसे हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमसे ये अपराध न हो जाए। अब हमारा क्या है, कुछ लोग हरि नाम लेते हैं लेकिन इस कैटेगरी में है, 3rd कैटेगरी में, कि भाई हरि नाम भी ले रहे हैं और ये जो 10 चीज बताई वो भी चल रहा है, तो ये 3rd कैटेगरी। अब उसके ऊपर आए 2nd कैटेगरी। एक तो है अपराध युक्त हरि नाम, अब दूसरा है नामाभास। मैं नामाभास के प्रति आगे बढ़ूं, उसके पहले एक निवेदन कर दूं कि मान लो यदि कोई व्यक्ति के जीवन में नाम अपराध हो चुका है, किसी से हरि नाम के प्रति अपराध हो गया कि भाई जाने अनजाने, अब तो आज सुना उसके पहले मान लो हो गया, या आने वाले दिनों में जाने अनजाने में ये जो 10 अपराध, अब हम मनुष्य है, मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो मान लो हमसे हरि नाम के प्रति अपराध हो जाए, तो हरि नाम अपराध, नाम अपराध से मुक्त होने का कोई उपाय, उपाय बता रहा हूं लेकिन मिसयूज ना हो, ऐसा नहीं कि अपराध करते रहे फिर उपाय करते, उपाय बता देता हूं कि कभी जाने अनजाने में हो गया तो हमें क्या करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपराध करते रहो और फिर उपाय करते रहो। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के 48वें अध्याय के 49वें नंबर के श्लोक में नाम अपराध से मुक्ति का उपाय बताया गया, जो स्क्रीन में आपके सामने है। नाम अपराध युक्तानां नामानि एव हरन्ति अघम्, अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एवार्थकराणि च, तानि एवार्थकराणि च। गलती से यदि हमसे किसी से नाम के प्रति अपराध हो गया, जो 10 नाम अपराध का अभी जिक्र हुआ, और उस नाम अपराध से मुक्त होना वैसे तो कठिन है लेकिन फिर भी उसे मुक्त होना है तो एक तरीका है। कहते हैं पद्म पुराण में, नाम अपराध युक्ता नाम, यदि कोई व्यक्ति नाम अपराध कर बैठा तो नामानि एव हरन्ति अघम्, तो नाम अपराध से मुक्त कौन कराएगा? पहले तो पर्सनालिटी देख लीजिए, कौन हमसे नाम अपराध से मुक्ति कौन कराएगा? तो कहते हैं नाम अपराध युक्ता नाम, यदि हमसे नाम अपराध हो जाए तो नामानी एव, वो नाम ही हरंती अघम, हमारे अपराधों को हरेगा। नाम के प्रति अपराध हो गया तो उस अपराध से मुक्त कराने वाला और कोई नहीं है, XYZ और कोई नहीं, वो नाम ही हमें अपराध से मुक्त कराएगा। लेकिन कौन सा नाम? तो कहते हैं अविश्रांति। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अविश्रांति माने अनवरत, तीव्रता, उत्कंठा, लालसा। अविश्रांति माने तीव्रता, उत्कंठा, लालसा से निरंतर प्रयुक्तानी, यदि हम हरि नाम जाप करेंगे तो तानी एवार्थ कराणी च,
तो हम नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। एक तो नाम अपराध नहीं होना चाहिए, और कदाचित नाम अपराध हो गया तो हमें क्या करना है, हमें नाम को ही प्रार्थना करनी है कि मेरे से गलती हो गई, और रोते हुए तीव्रता से अनवरत निरंतर बिल्कुल विनम्र बनकर हरि नाम का जाप करना है। वो हरि नाम का जाप करते करते ही नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपके मन में हो कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि हम अपराध से मुक्त हो गए हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप नाम के अपराध से मुक्त हो गए हो उसका अनुमान हो सकता है चार वस्तु से। यदि आपके जीवन में चार वस्तु होने लगे, समझो कि हमारा नाम अपराध दूर हो रहा है। एक, भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति पूर्ण वैराग्य होने लगता है। एक भौतिक जो इंद्र तृप्ति है उसके प्रति पूर्ण वैराग्य होने लगे तो समझो कि हमारा नाम और नाम अपराध दूर हो रहा है। और साथ ही साथ स्वाभाविक विनम्रता, देखो ये चैतन्य महाप्रभु, स्वाभाविक विनम्रता, आजकल हमारे अंदर विनम्रता है लेकिन स्वाभाविक नहीं है। कोई प्रभु मिलते हैं, पांव पड़ते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन अंदर क्या भावना होती वो परमात्मा ही जानता है। स्वाभाविक अंदर से हम्बल, अंदर से विनम्रता, जब ऐसा होने लगे तो समझो कि अपराध से हम मुक्त हो रहे हैं। एक दूसरा, ईर्ष्या से आभारग्रस्त विशुद्ध करुणा, ईर्ष्या से मुक्ति और हृदय में विशुद्ध करुणा की उत्पत्ति, मतलब किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या खत्म हो जाए और करुणा प्रकट हो जाए, जब ये होने लगे तो समझो कि नाम अपराध से हमारी मुक्ति हो रही है। ये चैतन्य महाप्रभु के वचन। तीसरा पॉइंट है, भौतिक मिथ्या अहंकार से मुक्ति। अब भौतिक अहंकार होता है ना कि मैं इंजीनियर, मैं ये, मैं फलाना, ये वो, जब इनसे मुक्ति होने लगे तो समझो हरि नाम अपराध हमारे कम हो रहे हैं। और साथ ही साथ विमल हृदय, शुद्ध हृदय। और चौथा, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसके प्रति आदर की भावना, जिस व्यक्ति की जैसी कैटेगरी है, स्थिति है, उसकी स्थिति के अनुसार उनको रिस्पेक्ट, उनको आदर देने की भावना होने लगे, समझो हरि नाम में अपराध नहीं। ये तो अपराध की बात है, तो माइनस की बात हो रही है कि हम लोग माइनस से जीरो लेवल पे आ रहे हैं। ऊपर के लेवल की तो बात ही कुछ और है, ये तो जो माइनस में घुस गए हैं अपराध कर करके, तो हम एक एक जीरो लेवल पर हम आते हैं जब इस प्रकार की स्थिति हमारी बनती है। चैतन्य महाप्रभु का यह निवेदन है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड कैटेगरी का, थर्ड क्लास का हरि नाम। मैं तो कहूंगा हम तो थर्ड क्लास में भी नहीं आते, उसके बाद जो फोर्थ क्लास होगा, फिफ्थ होगा, शायद उसमें फिट हो जाए। तो ये तो हुआ थर्ड क्लास का हरि नाम। अब उसके ऊपर है सेकंड क्लास का हरि नाम। अब मैं इसी पर विस्तार करूंगा तो कथा इसी में समाप्त हो जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, उसके ऊपर सेकंड क्लास का जो हरि नाम है उसे कहते हैं नामाभास। सेकेंड लेवल पर जो है वो है नामाभास, माने टोटल नाम। हरिनाम तो हम लेते, वो तो कंप्लीट होता है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वो तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है हमारे दिल पर वो पूरा पूरा नहीं हो रहा है, केवल नाम का आभास हो रहा है। जैसे मैंने कल कहा था ना कि आप किसी कोई मॉल में जाते हो, वहां पर बहुत सुंदर केक सजा कर रखी है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई, लेकिन वो कांच के उस साइड है। यहां हम खड़े खड़े देख रहे हैं लेकिन उसका आस्वादन नहीं हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी वो कहते ना, हनी का जो डिब्बा है और वो बंद है तो मधुमक्खी उनके ढक्कन को चाट रही है, वहां पर कोई रस नहीं है। रस कब मिलेगा? जब डिब्बा खुलेगा। तो नामाभास माने हरि नाम तो है लेकिन डिब्बा बंद है, वो कांच का दरवाजा बंद है, ले रहे हैं लेकिन वो आस्वादन, वो रस कुछ नहीं है। डेफिनेशन के साथ कहूं तो नामाभास का अर्थ है कि जो पवित्र नाम जैसा प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में पवित्र नहीं होता।
लगता तो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कि भाई ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बाद यही आदमी है, है लगता तो है कि भाई ये बहुत महान, लेकिन वो पवित्र नहीं होता। नाम का यह आभास अविद्या त्रुटि अथवा भ्रम का परिणाम होता है। इस अवस्था में भगवान का नाम बिना भक्ति या बिना स्पष्ट ज्ञान के जपा जाता है। इतनी भक्ति नहीं है, इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं है, फिर भी हरि नाम जप रहे हैं, तो ये सेकंड क्लास का ये नामाभास है। हालांकि इस नामाभास का भी बहुत ज़्यादा फल है, लेकिन नामाभास से कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। इसे और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सेकंड क्लास के नाम जप से, लेकिन परम फल नहीं प्राप्त हो सकता। ओके, इसे समझने के लिए भागवत का एक श्लोक कहूं, श्रीमद् भागवत छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। अजामिल के प्रसंग में चार प्रकार के नामाभास होते हैं। नाम का आभास 4 टाइप्स के होते हैं। कैसे? श्लोक में आपके सामने रखूं। साकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभमहेलनमेववा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषा अगहरम विदु। भागवत के छठे स्कंद में अजामिल प्रसंग में 4 प्रकार के नामाभास का वर्णन हुआ। 1 साकेत्यम, 2 परिहास्यम, 3 स्तोभम और 4 हेलनम। 4 प्रकार के नामाभास हैं। सेकेंड क्लास का जो नाम है ना नामाभास, वो 4 टाइप के हैं। 1 है साकेत्यम। साकेत्यम माने संकेत करते हुए कोई भगवान का नाम ले रहा है, वो हरिनाम ही ले रहा है। हरिनाम की महिमा तो हमने सुनी है, लेकिन वो संकेत करते हुए हरिनाम ले रहा है। जैसे इसका मेन एग्जाम्पल है अजामिल। अजामिल ने भी हरिनाम लिया था, अजामिल नरक में जाने से बच गया, हरिनाम ही लिया ना। लेकिन अजामिल का जो हरिनाम था वो शुद्ध हरिनाम नहीं था, या फिर अपराध युक्त हरिनाम नहीं था। अजामिल का हरिनाम किस कैटेगरी का था? नामाभास। और नामाभास के अंदर साकेत्यम। नामाभास के अंदर, अब ये बड़े टेक्निकल मैटर, ये भक्ति रसामृत सिंधु की बातें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हरिनाम, हम ऐसा नहीं कि सबको एक तराजू पर तोल दो कि बस सब लोग हरिनाम। इसमें बहुत कैटेगरी है, और हमें इसलिए कैटेगरी समझनी है तो हम समझे कि हम अभी कहाँ है, बहुत पीछे हैं, हमें आगे आना है। तो साकेत्यम ये नामाभास, ये सेकेंड क्लास के नामाभास का एक प्रकार है। अजामिल ने संकेत किया था, ये मेरा बेटा नारायण, वो साकेत्यम था, संकेत करते हुए। वो कौन? वो राम जी भाई, भगवान का नाम ही बोला ना, वो किसी आदमी को संकेत करने में बोला तो उसे फल मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? शुद्ध नाम का फल नहीं मिलेगा, उसे नामाभास का फल मिलेगा। वो नामाभास है, ठीक है। सेकेंड प्रकार का नामाभास है परिहास। कोई शुद्ध भक्त हरि नाम ले रहा है और 2-3 अकड़ू लोग वहां पर पहुंच गए, हा हा हा, ये हरि नाम ले रहा है, ये पागल हो गए हैं, ये हरि नाम, हरि शब्द तो निकल गया, ये हरे कृष्ण कर। खास करके जो असुर लोग हैं, हमारे हिरण्याकश्यपु हिरण्या, ये असुर लोग इस प्रकार, वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो लोग भी हरि नाम लेते थे, लेकिन परिहास, दूसरों की हंसी मजाक करते हुए। हमारी तिलक कंठी देखकर कुछ लोग कहते हैं ना, ये हरे कृष्ण वाले लंबे लंबे तिलक करते हैं, परिहास, लेकिन निकल गया ना भगवान का नाम, तो वो नाम काम कर देगा। वो किस कैटेगरी का हो जाएगा? नामाभास। समझ रहे हैं? कई सारी ऐसी संस्था और संप्रदाय है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन संस्था संप्रदाय में भी भगवान का नाम लिया जाता है, हालांकि वो उसे भगवान, वो भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी साधारण साधु संत को भगवान मानकर उसे भगवान का नाम दे देते हैं। तो भगवान का नाम तो लिया, तो उस नाम का फल मिलेगा, लेकिन किस कैटेगरी का? नामाभास कैटेगरी का फल। शुद्ध नाम फल नहीं मिलेगा, शुद्ध नाम तो कुछ और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
नामाभास का फल, नाम तो फेल नहीं जाएगा, ये अमोघ है। भगवान का नाम लिया तो वो अमोघ है, लेकिन सारे नाम एक तरह ऊपर नहीं तोले जाएंगे, भिन्न भिन्न फल होगा। तो परिहास, हंसी मजाक करते हुए। तीसरा नामाभास है स्तोभम। स्तोभम माने किसी की उपेक्षा करते हुए, किसी को डांटते हुए। मान लो हमारा एक बॉलीवुड का जमाना गुजरा, उसमें जितने भी नौकर थे सबके नाम रामू होते थे, जहां तक मुझे पता है लगभग नौकर का नाम रामू होता है, है? और फिर वो मालिक क्रोध करके कहते हैं, ये साला रामू किसी काम का नहीं है, ये रामू कुछ नहीं करता है, क्रोध करके बोला ना, उपेक्षा करके बोला, लेकिन बोला तो रामू राम। तो ये स्तोभम, ये भी हरि नाम ही है, लेकिन ये नामाभास के अंतर्गत स्तोभम में आता है। या फिर कई सारे भक्त हमारे यहां प्रश्न पूछते ना कि हमारे घर पर भक्ति को नहीं मानते हैं, तो मान लो हम हरि नाम करने बैठे और कुछ लोग कहे कि ये क्या है रात दिन हरे कृष्ण, ये हरि क्या तुम्हारा सब कुछ काम कर देगा, ये हरि तुमको क्या दे देगा। तो इस प्रकार से हमारे साथ तर्क करते हुए भी जो हरि का नाम ले लिया उसे भी नाम का फल मिलेगा, लेकिन नामाभास होगा, स्तोभ के कैटेगरी में आएगा। और फिर अंत में हेल, हेलिया, हेलिया माने निरादर पूर्वक, बिल्कुल निरादर के साथ। कृष्ण तो चालू है, कृष्ण तो फलाना है, कृष्ण तो ऐसा है, कृष्ण तो वैसा है। इस कैटेगरी में आता है शिशुपाल। शिशुपाल ने 100 गाली दी, लेकिन 100 गाली में कृष्ण की एक माला हो गई उसकी, 4 केवल 8 बाकी रहा था पारा। अगि गाली देते हुए नाम तो लेना ही पड़ता है कि कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा, तो कृष्ण का नाम तो शिशुपाल ने लिया। हेलन वा, हेलना के साथ, अवहेलना के साथ नाम लिया। और इसलिए तो आपने देखा ना, शिशुपाल जब मर गया तो उसकी आत्मा कृष्ण के अंदर समा गई, उसे मुक्ति मिली। जो हेलना के साथ नाम लिया उसको भी मुक्ति मिलती है। तो जो प्रेम से शुद्ध नाम लेगा उसका क्या होगा। कृष्ण को गाली देकर भी उनका नाम लेता है तो भी वह नामाभास में कंसीडर होता है। तो इस प्रकार से नामाभास। अब बहुत सारी बातें हैं, मैं यहीं पर रोक लेता हूं, फिर कभी आप मुझे याद कराना, इस पर हम कथा करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, श्लोक और ये सब। लेकिन इस प्रकार से सेकंड कैटेगरी है नामाभास। फिर इसके अंदर आता है कि नामाभास के क्या लाभ है। तो 7 प्रकार के लाभ हरिनाम चिंतामणि में कहे गए कि नामाभास के 7 लाभ। इवन नामाभास से व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है, नामाभास वैकुंठ पहुंचा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं जन्मा। गौलोक वृंदावन और व्रज भक्ति व्रज प्रेम नहीं दे सकता। उस व्रज भक्ति के लिए, व्रज प्रेम के लिए हमें शुद्ध नाम लेना होगा, शुद्ध, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट कैटेगरी का नाम कौन सा है, स्क्रीन में आपके सामने। अन्या भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माज्ञनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तियुत्तम शीलनम भक्तिरुत्तमः। यह है शुद्ध नाम। इसमें भी बहुत सारा समय जाएगा, लेकिन केवल ट्रांसलेट कर दूं। शुद्ध नाम किसे कहते हैं, जिस नाम को जप करने के पीछे अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की कामना न हो, किसी भी प्रकार की अभिलाषा न हो। अन्य अभिलाषा माने कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हरि नाम जप करते हैं हरि नाम के लिए, सो सारी अभिलाषा, सारी इच्छा कामना से मुक्त, एक। और दूसरा ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऐसा नाम जिसमें ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से अनावृत हो। और तीसरा
अनुकुलियेन कृष्ण, वो कृष्ण के अनुकूल हो। नाम तो कंस ने भी लिया था, नाम तो हिरण्यकशिपु ने, रावण ने कम राम जी का नाम लिया था। रावण कितनी बार राम जी का नाम लिया होगा, ये सब भगवान का नाम लिए, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं लिए, प्रतिकूल भाव से लिए। हमें नाम लेना है अनुकूल भाव से। अनुकूल भाव कब होगा? जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे, और संबंध जोड़ने के बाद नाम लेंगे तो अनुकूल भाव होगा। तो संबंध जोड़कर नाम लेना, सारी अभिलाषाओं से मुक्त हो जाना, और अन्य किसी देवी देवता यहां वहां कोई आश्रय नहीं। जैसे द्रौपदी ने एकमात्र कृष्ण का आश्रय लिया, पूर्ण रूप से एकमात्र कृष्ण हरि नाम का आश्रय लेकर नाम लेना, यह शुद्ध नाम। और ऐसे शुद्ध नाम का जाप करने से कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। लास्ट में इतना ही, आपके मन में प्रश्न होगा कि यदि हम थर्ड कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में है, और इस फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहते हैं तो क्या करें? तीन चीज करनी है हमें। एक, यदि अन्य अभिलाषिता कैटेगरी में आना है तो शुद्ध भक्तों का संग करना है। अकेले में हरि नाम करोगे काम नहीं बनेगा, असत संग करोगे काम नहीं, शुद्ध भक्तों का संग करना है, और उसी के साथ उनकी शिक्षा के अनुसार नाम जप करना है। शुद्ध भक्त जो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार नाम जप करना है, और इसी से शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम के प्रति रुचि जागृत होगी। ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, सतर्कता पूर्वक जो नाम अपराध करते हैं ऐसे लोगों से पतली गली पकड़ लेनी है। उसका अपमान करके, भाई तू कुछ काम का नहीं, तू तो गलत नाम करता है, ये वो, ऐसा नहीं, उसको भी बुरा ना लगे। और हम धीरे से हैं, जो नाम अपराध करते हैं उससे दूर रहना है, वो भी सतर्कता पूर्वक, किसी को हर्ट करके नहीं, उससे दूर रहना है। तो इस प्रकार से उनसे दूर रहेंगे, शुद्ध भक्तों की संगति में रहेंगे, और उनके मार्गदर्शन में हरि नाम लेंगे, तब जाकर हमसे शुद्ध हरि नाम होगा।